हाय एवरीवन, आज मैं शामी मटन कबाब्स बनाने वाली हूँ और वो कैसी टेस्टी बनाते हैं वो आज मैं दिखाने वाली हूँ। हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी के साथ। पहले हमें प्रेशर कुकर में 2 बाउल बोनलेस मटन लेना है, उसके छोटे पीसेस करने हैं। उसके बाद वही बाउल साइज का आपको आधा बाउल चने की दाल लेनी है, उसको आपको 1 घंटे पानी में डाल के रखना है, फिर उसके बाद आपको मटन में डालना है। 2 बाउल मटन के लिए मैंने आधा बाउल चने की दाल ली है। उसके बाद 2 बड़े चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, 1 चम्मच रेड मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 तेज पत्ता और 1 कांदा लेके उसके छोटे पीसेस करके डालना है, और 1 छोटा पोटैटो लेके उसके छोटे पीसेस करके आपको उसमें डालना है, और नमक आपके स्वाद अनुसार। उसको बॉईल करने के लिए आपको उसमें 1/2 ग्लास पानी डालना है। आपको ज्यादा पानी भी नहीं लेना है वो, क्योंकि मटन का भी पानी निकलता है उसमें। तो अभी हम उसको कुक करेंगे प्रेशर कुकर में। आपको 1 बड़ी सीटी लेनी है मीडियम फ्लेम पे रख के, फिर उसके बाद आपको स्लो फ्लेम पे रख के 15 मिनट तक कुक करना है। अभी आप देख सकते हो कैसे अच्छे से कुक हो गया है और पानी भी उसका ड्राई हो गया है। आपको पानी ड्राई होने तक उसको स्लो फ्लेम पे कुक करना है, उसमें से पानी आपको ड्राई करना है। वो भी अच्छे से कुक हो गया है। अभी हम उसको मिक्सर ग्राइंडर कंटेनर में डालेंगे। ग्राइंड करने से पहले आपको उसको ठंडा करना है, फिर ठंडा होने के बाद आपको उसको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करते समय आपको उसमें 1 चम्मच आमचूर पाउडर डालना है। अगर ये नहीं होगा तो आप उसमें 1/2 नींबू डाल सकते हो। उसमें 1 एग डालना है आपको ग्राइंड करने के लिए। अभी उसको आपको फाइनली ग्राइंड करना है। अभी आप देख सकते हो कैसे अच्छी तरह से वो ग्राइंड हो गया है। आपको भी इसी तरह से बारीक ग्राइंड करना है उसको। फिर उसके बाद आपको 1 चम्मच मटन मसाला डालना है। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप डाल सकते हो वरना स्किप भी कर सकते हो। 3 बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची, 3 पुदीना लीव्स और 1 बाउल बारीक कट किया हुआ धनिया और 1 कांदा बारीक कट किया हुआ। अभी उसको आपको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अभी आप देख सकते हो अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, आपको भी ऐसे ही मिक्स करना है। अभी हम कबाब ऑयल में डालना स्टार्ट करेंगे। अभी आपको दोनों हाथों को ऑयल से ग्रीस करना है, फिर कबाब बनाना है। ऑयल से ग्रीस करने के बाद वो हाथ को स्टिक नहीं होंगे। आप अपने हिसाब से कोई भी शेप में बना सकते हो। उसको दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी होने तक कुक करना है। अभी आप देख सकते हो कैसे एक साइड से वो ऑलमोस्ट कुक हो गया है, तो फिर आपको टर्न करना है उसको।
उसका बहुत ही अच्छा कलर आया है। अभी आप देख सकते हो हमारे कबाब्स रेडी हो गए हैं और वो अच्छे से गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं। आपको भी इसी तरह से कुक करना है ये कलर आने तक। अभी ये कबाब्स सर्व करने के लिए रेडी है और इसी तरह से आपको बाकी कबाब्स भी कुक करने हैं। ये आप देख सकते हो कैसे मस्त कबाब बने हैं।